पर मुंबई में रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब वापस जयपुर रवाना हो रहे हैं, जानकारी चाहेंगे पूरी। देखिए बिल्कुल श्वेता, 4 दिवसीय दौरे पर रहे मुंबई के सीएम अशोक गहलोत। और देखिए पहले दिन से अगर बात करें तो पहले दिन तो उन्होंने रेस्ट किया क्योंकि मेडिकल हेल्थ से चेकअप के लिए आए थे, खासतौर पर अगर कारण बताएं तो। लेकिन उनके 4 दिवसीय दौरे में खास बात ये रही कि उन्होंने यहाँ पर आकर जितने भी लोग थे, उनके प्रवासी राजस्थानी थे यहाँ के, तो उससे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे मुलाकात के लिए। और शिक्षा मंत्री की बात करें और भी लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हुए, पदाधिकारी हुए, उन्होंने भी लगातार मुलाकात करी क्योंकि शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ की बात करें, कल उन्होंने मुलाकात करी सीएम गहलोत से क्योंकि लंबे समय से वो लोग इंतजार कर रहे थे क्योंकि सीएम गहलोत लंबे समय के अंतराल के बाद, लंबे अंतराल के बाद मुंबई आए थे। इससे पहले 6 महीने पहले मुंबई आए थे, तब तो अपने मेडिकल हेल्थ चेकअप के लिए ही आए थे और उनका मेडिकल हेल्थ चेकअप भी हुआ क्योंकि उनके साथ जयपुर के जाने माने डॉक्टर सुधीर भंडारी भी आए थे। और यहीं से देखिए खास बात ये रही कि जो कल कोविड की बैठक हुई, जब प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के सभी मुख्यमंत्री से जो बैठक थी, उस बैठक से भी यहाँ मुंबई से वर्चुअली जुड़े तो गहलोत, क्योंकि देखिए आने वाले समय में कांग्रेस का चिंतन शिविर भी होने वाला है, अगले साल विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में सीएम अशोक गहलोत का जो पूरी तरह से फिट रहना, स्वस्थ रहना भी जरूरी है, इसलिए वो अपना जो रेगुलर हेल्थ चेकअप है, मेडिकल हेल्थ चेकअप, उसी के लिए मुंबई आए खासतौर पर। लेकिन इन चार दिवसीय दौरे में उन्होंने काफी लोगों से मुलाकात भी की, काफी लोगों से संवाद हुआ उनका, जैसे पक्षिया भी आपने देखे पिक्चर था। बिल्कुल डिंपल, और क्योंकि तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, 4 दिनों तक बेहद अहम मुलाकातों का दौर भी रहा, लेकिन जिस तरह से रूटीन चेकअप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रहता है मुंबई में, उसी लिहाज से वो मुंबई भी लौट गए और अब जयपुर रवाना। डिंपल, क्या जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम? कब तक जयपुर पहुंचने का उनका कार्यक्रम तय है? देखिए श्वेता, सीएम अशोक गहलोत यहाँ सादरी गेस्ट हाउस से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में, क्योंकि यहाँ से जो जाने का समय है वो करीब 20 से 25 मिनट का समय है और वहां तक पहुंचने में उनसे 20 से 25 मिनट तक का समय लगेगा। उसके बाद जो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट से क्योंकि प्राइवेट प्लेन से अपने जयपुर रवाना होंगे और करीब आप मानिए कि 6:45 का समय अभी हो गया है, तो 7 बजे के करीब जो है सीएम अशोक गहलोत वो जयपुर। चलिए बहुत शुक्रिया डिंपल आपका इस पूरी जानकारी के लिए।